हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे कैरेक्टर्स के बीच फाइट कराने वाले हैं जो कि काफी हद तक सेम पावर्स रखते हैं, और इन दोनों ही कैरेक्टर्स के नाम भी किसी ना किसी एनिमल से इंस्पायर हैं। यहाँ पर बात हो रही है वकांडन किंग ब्लैक पैंथर और किलिंग मशीन वुल्वरीन की। तो आज हम ये पता करेंगे कि ब्लैक पैंथर और वुल्वरीन में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो मेरा नाम है मनीष, और फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड के एक और नए एपिसोड में, जहां आपको मिलते हैं कॉमिक्स और मूवीज से रिलेटेड सारे एंटरटेनिंग वीडियोस। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सकें। तो बिना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ही कैरेक्टर्स की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो पहले अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर की फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर इशू 52 में हुई थी। ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला को उसकी पावर्स हार्ट शेप हब से मिली है, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और हीलिंग जैसी पावर्स हैं। तो वहीं बात करें वुल्वरीन की, वुल्वरीन की फर्स्ट फुल अपीयरेंस द इनक्रेडिबल हल्क इशू 181 में हुई थी। वुल्वरीन यानी कि जेम्स लॉगन हॉलेट एक म्यूटेंट था, जिसके पास एडमेंटियम क्लॉज और साथ ही कमाल का हीलिंग फैक्टर है। वुल्वरीन के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन सेंसेस और रिजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स हैं। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स को एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। अगर बात करें ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ की, कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर एक बड़े से राइनो से भी फाइट कर चुका है, जहां इस राइनो का वेट लगभग 5 टन के आसपास था, और यही सेम चीज हमें ब्लैक पैंथर मूवी में भी देखने को मिली थी। मैन एप जो कि 10 टन तक का वेट रखता है, कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर उसे भी डिफीट कर चुका है, और इसके अलावा ब्लैक पैंथर जायंट एलिगेटर और यहाँ तक कि डायनासोर तक को हरा चुका है। और वहीं वुल्वरीन की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वुल्वरीन ब्लैक पैंथर से स्ट्रेंथ के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वुल्वरीन ने अपने क्लॉज की हेल्प से सेंटिनल जैसे कैरेक्टर का हेड भी कट किया है, और एक बार तो एक ग्रिजली बियर जो कि एक डीमन के कंट्रोल में था उसे भी काफी इजीली डिफीट किया है। यही नहीं, साथ ही वुल्वरीन डायनासोर की गर्दन भी तोड़ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन स्ट्रेंथ के मामले में ब्लैक पैंथर से काफी ज्यादा आगे है। तो अब देखते हैं कि स्पीड के मामले में कौन हाथ मारता है। तो मूवी में हमने ये देखा है कि ब्लैक पैंथर की स्पीड कैप्टन अमेरिका की स्पीड के आसपास की है। इसके हिसाब से ब्लैक पैंथर की स्पीड लगभग 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, और साथ ही ब्लैक पैंथर अपनी स्पीड से एरो और बुलेट्स को भी डॉच कर सकता है। तो वहीं अगर वुल्वरीन की स्पीड को देखा जाए तो वुल्वरीन की स्पीड भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जहां वुल्वरीन की स्पीड लगभग 40-45 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। कॉमिक्स में एक बार वुल्वरीन एक प्लेन जो कि टेक ऑफ करने वाला था उसे दौड़कर पकड़ चुका है, लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर स्पीड के मामले में वुल्वरीन से काफी ज्यादा आगे है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इंटेलिजेंस। टचाला मार्वल यूनिवर्स के स्मार्टेस्ट पर्सन में से एक माना जाता है, और साथ ही टचाला का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा हाई है। ब्लैक पैंथर्स की पावर्स होने के साथ साथ टचाला के पास पिछले सारे ब्लैक पैंथर्स की पावर्स और उनकी नॉलेज भी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर वुल्वरीन की इंटेलिजेंस को देखा जाए, वुल्वरीन एक कमाल का फाइटर होने के साथ साथ एक स्पाई, असैसिन और एक समुराई भी रह चुका है, जहां पर वुल्वरीन अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ अपने सेंसेस का भी यूज करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ब्लैक पैंथर के पास पिछले सारे ही ब्लैक पैंथर्स की नॉलेज होने की वजह से उसकी इंटेलिजेंस वुल्वरीन से काफी ज्यादा है। तो फाइनली अब बारी आती है अपनी फाइनल कैटेगरी ड्यूरेबिलिटी की। ब्लैक पैंथर की बॉडी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, वेपन्स के थ्रू उसकी बॉडी को हार्म किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसने अपना सूट नहीं पहना हो। सूट को पहन लेने के बाद उसकी बॉडी में एक भी स्क्रैच को लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सूट वाइब्रेनियम का होने की वजह से हर तरह के डैमेज को आसानी से झेल सकता है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में अब वुल्वरीन को भी देख लेते हैं। वुल्वरीन कितना ज्यादा ड्यूरेबल है ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वुल्वरीन के पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है, जिसकी हेल्प से वुल्वरीन की बॉडी कुछ ही सेकंडों में हील हो जाती है। वुल्वरीन फीनिक्स फोर्स और न्यूक्लियर अटैक्स तक को सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा भी वुल्वरीन के पास एक छोटे से टिश्यू से खुद को रिजनरेट करने की पावर्स हैं, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर ड्यूरेबिलिटी के मामले में वुल्वरीन के आसपास भी नहीं है। तो अब रिजल्ट पे अगर नजर डाली जाए तो ब्लैक पैंथर के पास स्पीड और इंटेलिजेंस और वुल्वरीन के पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का एडवांटेज है। ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम सूट है और वुल्वरीन के पास एडमेंटियम क्लॉज। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वुल्वरीन के क्लॉज ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को कट कर सकते हैं, जिसका सिंपली आंसर हाँ है, क्योंकि वाइब्रेनियम एक काफी लाइट मेटल है और वहीं एडमेंटियम काफी ज्यादा हैवी मेटल है, और कॉमिक्स में भी कई बार वुल्वरीन के क्लॉज वाइब्रेनियम को कट कर चुके हैं।
तो इन सभी सारे फैक्ट्स को देखने के बाद इस मैच का विनर वुल्वरीन माना जाएगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आखिर आपके हिसाब से इस मैच का विनर कौन होगा। तो अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी एंटरटेनिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सकें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी आपके अपने कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।